Hello students, welcome back once again. Students, in the last class we saw the last topic, that was stack. We had completed that topic. In that we saw stack application, where we have evaluated postfix expression, then we have converted infix to postfix expression. Three patterns of questions we have solved. Today we are going to learn the last topic of this chapter, data structure, that is called as queue. So students, let's begin the class. First, what do you mean by a queue? Queue क्या होता है? Normally students, you might have heard this word in your day-to-day life. आप day-to-day life में ये word को सुनते हैं, queue. Queue means line. In terms of data structure, what is a queue? A queue is nothing but it is a linear list or linear data structure which is implemented in FIFO manner. FIFO means FIFO. FIFO manner में implement किया जाता है queue को. स्टैक में हमने देखा था, स्टैक वॉज ऑल्सो ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर विच वॉज इम्प्लीमेंटेड इन लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट. लेकिन क्यू में क्या होता है? इट इज़ ऑल्सो ए लीनियर लिस्ट और यू कैन से इट इज़ ऑल्सो अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर विच इज इम्प्लीमेंटेड इन फीफो मैनर. फीफो मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. You can see first in first out, that is called as FIFO. That means the element, the item which is inserted first, जो element सबसे पहले insert होता है वही element सबसे पहले out, that means remove होता है. Stack में हमने देखा था last in first out, LIFO, मतलब जो element सबसे last में insert होता था stack में वही element stack से सबसे पहले remove किया जाता था, that was stack. लेकिन क्यू में क्या होता है? जो एलिमेंट सबसे पहले, सबसे फर्स्ट इंसर्ट होता है वही एलिमेंट सबसे पहले रिमूव होता है या फिर डिलीट होता है. क्लियर? सो दिस इज इन दिस वे फीफो मैनर क्यू इज इम्प्लीमेंटेड. नाउ इन क्यू इट हैज टू एंड्स. जैसे स्टैक में होता था, स्टैक में जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करते थे, इधर इंसर्शन और डिलीशन दोनों वन एंड में ही होता था, एक ही एंड में होता था, दैट वॉज कॉल्ड एज टॉप ऑफ द स्टैक. लेकिन क्यू में क्या होता है? वी हैव टू एंड्स. वन इज फ्रंट एंड, अनदर वन इज बैक एंड. बैक एंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज रियर एंड. So these are the two ends of a queue. One is front end, another one is back end. Back end is also called as rear end. Clear? Now the two operation, insertion and deletion, we can perform here also. Queue में जब आप एक element या item को insert करते हैं, whenever you are inserting any item or element into a queue, then that operation is called as enqueue. ऑपरेशन को हम क्या कहते हैं? एनक्यू कहते हैं. जैसे स्टैक में हम पुश कहते थे. नाउ व्हेन एवर यू आर रिमूविंग एनी एलिमेंट फ्रॉम द क्यू, जब आप क्यू से कोई एलिमेंट को रिमूव करते हैं, देन दैट ऑपरेशन इज कॉल्ड एज डी क्यू. क्लियर? सो वहां पर स्टैक में क्या होता था? एनक्यू को हम पुश कहते थे, यहां पर एनक्यू कहते हैं. वहां पर स्टैक में हम डी क्यू, मतलब जब रिमूव करते हैं वहां पर उसको क्या कहा जाता था? पॉप. यहां पर हम कहते हैं डी क्यू. क्लियर? सो दीज आर द टू ऑपरेशन, इंसर्शन एंड डिलीशन, जो कि हम क्यू में कर सकते हैं. वन इज एन क्यू, अनदर वन इज डी क्यू. नाउ स्टैक में क्या होता था? इंसर्शन और डिलीशन दोनों एक ही एंड में होता था, दैट इज कॉल्ड एज टॉप ऑफ द स्टैक. दैट मीन्स आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, जो भी इंसर्शन करना हो या फिर डिलीशन करना हो आप टॉप ऑफ द स्टैक में करते हैं. लेकिन क्यू में क्या है? टू एंड्स है, फ्रंट है बैक है. सो इंसर्शन कहाँ पर होगा, डिलीशन कहाँ पर होगा, वो आपको याद रखना है. वेन एवर यू आर इंसर्टिंग एनी एलिमेंट, दैट मीन्स यू आर परफॉर्मिंग एनक्यू ऑपरेशन. जब आप एनक्यू ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, वेयर इट विल गो? इट विल गो टू द बैक एंड. दैट मीन्स इंसर्शन कहाँ पर होता है? बैक एंड में होता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रियर एंड. नाउ डी क्यू मीन्स जब भी आपको एक एलिमेंट को रिमूव करना होता है, देन इट विल बी परफॉर्म्ड फ्रॉम फ्रंट एंड. दैट मीन्स इन डिलीशन फ्रंट से किया जाता है, फ्रंट एंड से किया जाता है, और एनक्यू इंसर्शन कहाँ पर होता है? बैक एंड में होता है. सपोज
दिस इज अ क्यू. सो यहाँ पर एक फ्रंट एंड होगा, एक रियर एंड होगा. जो फ्रंट एंड होगा वहीं पर डिलीशन होता है, और जो रियर एंड होगा दैट इज बैक एंड, फ्रॉम वेयर इंसर्शन टेक्स प्लेस. क्लियर? सो ये दो एंड आपको कंफ्यूज नहीं होना है, फ्रंट एंड एंड बैक एंड. डिलीशन टेक्स प्लेस फ्रॉम फ्रंट एंड एंड इंसर्शन टेक्स प्लेस एट बैक एंड या रियर एंड. क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स लेट अस सी सम टर्म्स रिलेटेड विथ क्यू, जो कि हमने स्टैक में भी देखा था. द टर्म्स आर पीक, ओवरफ्लो एंड थर्ड वन इज अंडरफ्लो. ये तीन टर्म्स हमने स्टैक में भी देखा था, सेम टर्म यहां पर भी है, पीक, ओवरफ्लो, अंडरफ्लो. नाउ कॉन्सेप्ट आपका सेम है जो स्टैक में था, वही कॉन्सेप्ट यहां पर भी अप्लाई होता है. फर्स्ट वन इज पीक. पीक ऑपरेशन में क्या होता है? पीक मींस इंस्पेक्टिंग द वैल्यू एट द फ्रंट एंड, क्योंकि आपको पता है डिलीशन कहां से होता है? फ्रंट एंड से होता है. सो पीक में क्या होता है? यू आर इंस्पेक्टिंग द वैल्यू एट द फ्रंट एंड. फ्रंट में कौन सा वैल्यू है वो आप इंस्पेक्ट करेंगे विदाउट रिमूविंग दैट एलिमेंट. दैट मीन्स यू आर नॉट गोइंग टू रिमूव, यू आर नॉट गोइंग टू टेक आउट द एलिमेंट फ्रॉम द क्यू, जस्ट यू आर इंस्पेक्टिंग द वैल्यू प्रेजेंट एट द फ्रंट एंड. फ्रंट में क्या एलिमेंट प्रेजेंट है वो आप इंस्पेक्ट करते हैं. दैट इज वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंस्पेक्शन. इसीलिए हम इसे इंस्पेक्शन भी कहते हैं. ओके, सेकेंड वन, ओवरफ्लो. ओवरफ्लो मीन्स इट इज अ सिचुएशन, और वी कैन से इट इज एन एरर. जो कब होता है? जब आप एक एलिमेंट को इंसर्ट करना चाहते हैं क्यू में और क्यू ऑलरेडी फुल हो. दैट मीन्स यू आर ट्राइंग टू इंसर्ट एन एलिमेंट इन अ क्यू विच इज ऑलरेडी फुल. यानी क्यू का सपोज कैपेसिटी मान लेते हैं 4 है, ऑलरेडी 4 एलिमेंट वहां पर प्रेजेंट है. नाउ इफ यू आर ट्राइंग टू इंसर्ट फिफ्थ एलिमेंट, फिफ्थ आइटम इन टू दैट क्यू, देन वेदर इट इज पॉसिबल? नो, बिकॉज मेमोरी इज नॉट लेफ्ट. सो इन दैट केस एन एरर विल अकर, दैट इज कॉल्ड एज ओवरफ्लो. सो ओवरफ्लो मीन्स सिचुएशन और एरर वेयर वन ट्राइज टू इंसर्ट एन एलिमेंट इन टू अ क्यू वेयर क्यू इज ऑलरेडी फुल. दैट इज क्यू इज ऑलरेडी फुल. सो उस तरह के केसेस में जब क्यू ऑलरेडी फुल होता है और आप उसमें ट्राई करते हैं वन मोर आइटम इंसर्ट करने के लिए, देन एरर अकर होता है, दैट इज कॉल्ड एज ओवरफ्लो. क्लियर? नाउ द थर्ड वन, अंडरफ्लो. अंडरफ्लो, दिस सिचुएशन और एरर कम्स व्हेन यू ट्राई टू रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम एन एम्प्टी क्यू. दैट मीन्स ए क्यू विच इज एम्प्टी, इसमें एलिमेंट नहीं है. अब उस क्यू से अगर कोई एलिमेंट को आप रिमूव करवाना चाहते हैं, यू आर राइटिंग एनी कमांड टू रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम एन एम्प्टी क्यू, देन दैट सिचुएशन और एरर इज कॉल्ड एज अंडरफ्लो. अंडरफ्लो मीन्स क्यू एम्प्टी है, नो एलिमेंट इज प्रेजेंट, देन ऑल्सो यू आर ट्राइंग टू रिमूव एन एलिमेंट, तब भी आप रिमूव करने के लिए ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं. सो एन एरर विल अकर, दैट इज कॉल्ड एज अंडरफ्लो. सो दीज आर द टर्म्स रिलेटेड विथ क्यू. पीक में यू आर इंस्पेक्टिंग द वैल्यू एट द फ्रंट एंड. ओवरफ्लो में जब आप इंसर्ट करते हैं और क्यू ऑलरेडी फुल हो, देन ओवरफ्लो सिचुएशन होता है. देन अंडरफ्लो में क्या होता है? जब क्यू एम्प्टी है, देन ऑल्सो यू आर ट्राइंग टू रिमूव द एलिमेंट फ्रॉम द क्यू, देन द सिचुएशन विल बी कॉल्ड एज अंडरफ्लो. होप दीज टर्म्स आर क्लियर टू यू. स्टूडेंट्स नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी इम्प्लीमेंटिंग क्यूज इन पाइथन. पाइथन में आप क्यूज को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं. जैसे स्टैक में हमने देखा था, स्टैक को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने लिस्ट को यूज़ किया था, सेम यहाँ पर भी. इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट क्यूज इन पाइथन वी हैव टू यूज लिस्ट. दैट मीन्स लिस्ट आर यूज टू इम्प्लीमेंट क्यूज इन पाइथन. तो सपोज द लिस्ट नेम इज क्यू, हम मान के चलते हैं लिस्ट का नाम क्या है? क्यू है. नाउ द ऑपरेशन दैट वी कैन परफॉर्म, वी कैन परफॉर्म पीक, देन यू कैन इंसर्ट दैट इज एन क्यू, देन यू कैन परफॉर्म डिलीशन दैट इज डी क्यू. नाउ इफ आई वॉन्ट टू परफॉर्म दीज ऑपरेशन इन क्यू, मान के चलते हैं द लिस्ट नेम इज क्यू, लिस्ट का नाम भी क्यू है. सो इफ आई वॉन्ट टू परफॉर्म पीक ऑपरेशन, तो हमें क्या लिखना होगा? यू हैव टू राइट क्यू नेम, दैट इज द लिस्ट नेम, विद इन स्क्वायर ब्रैकेट फ्रंट. फ्रंट मीन्स इट विल इंडिकेट इट विल इंडिकेट एन इंटीजर हैविंग द पोजिशन ऑफ द फर्स्ट वैल्यू. दैट मीन्स क्यू इज द लिस्ट नेम, क्यू लिस्ट का नाम है. और फ्रंट में क्या होगा जो आप स्क्वायर ब्रैकेट में दे रहे हैं? इट विल इंडिकेट एन इंटीजर, यहाँ पे एक इंटीजर होगा, एक न्यूमरिक वैल्यू होगा, विच विल इंडिकेट द वैल्यू एट द फ्रंट एंड.
जो फर्स्ट वैल्यू है उसका पोजिशन यहाँ पर होता है फ्रंट में. सो इफ यू राइट लाइक दिस वी कैन परफॉर्म पीक ऑपरेशन. दैट मीन्स इंस्पेक्टिंग द फर्स्ट वैल्यू एट द क्यू एट द फ्रंट एंड. नाउ नेक्स्ट वन एन क्यू. इफ आई वॉन्ट टू परफॉर्म एन क्यू ऑपरेशन. एन क्यू में क्या होता है, यू आर ट्राइंग टू इंसर्ट एन आइटम इन टू अ क्यू. सो वहां पर आपको क्या लिखना होगा, यू हैव टू राइट क्यू डॉट अपेंड. देन विद इन ब्रैकेट यू हैव टू स्पेसिफाई द आइटम दैट यू वॉन्ट टू इंसर्ट. इन दिस वे यू कैन राइट, दिस इज द सिंटैक्स. क्यू दैट इज द लिस्ट नेम डॉट अपेंड. अपेंड इज द मेथड. अपेंड मतलब एडिंग एनी आइटम और एडिंग एनी एलिमेंट. सो अपेंड मेथड को यूज करके जो भी आप ब्रैकेट में आइटम देते हैं वो आइटम इंसर्ट होगा. इंसर्शन कहाँ पर होता है, इट इज डन एट बैक एंड और रियर एंड, फ्रंट एंड में नहीं होगा. सो एन क्यू के लिए हमें इस तरह से लिखना होगा. ओके नाउ थर्ड वन डी क्यू. डी क्यू के लिए हमें क्या लिखना होगा, अगेन यू हैव टू राइट द लिस्ट नेम दैट इज क्यू डॉट पॉप विद इन ब्रैकेट. इफ यू राइट जीरो, वॉट विल हैपन विद द हेल्प ऑफ पॉप मेथड, इट विल रिमूव द एलिमेंट प्रेजेंट एट दी फ्रंट एंड. फ्रंट में जो सबसे फर्स्ट एलिमेंट होगा दैट विल बी रिमूव्ड. दैट मीन्स दीज आर द सिंटैक्स फॉर परफॉर्मिंग बेसिक क्यूज ऑपरेशन, पीक ऑपरेशन, एन क्यू एंड डी क्यू. इस तरीके से लिख कर आप क्यू ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं. होप दिस टॉपिक्स आर क्लियर टू यू स्टूडेंट्स. लेट्स सी एन एग्जाम्पल वेयर द कैपेसिटी ऑफ क्यू इज 4. हमें मान के चलते हैं द क्यू इज बाउंडेड एंड इट्स कैपेसिटी इज 4. दैट मीन्स टोटल 4 एलिमेंट्स, 4 आइटम्स कैन बी स्टोर्ड इन दैट क्यू. ओके दैट मीन्स जो इंडेक्सिंग हम करेंगे, यू नो द बाउंडेड साइज, द साइज इज 4. दैट मीन्स इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0, जैसे स्टैक में होता था, इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड इट विल गो टिल द साइज और लेंथ ऑफ द क्यू माइनस 1. साइज ऑफ द क्यू इज 4. So 4 minus 1, 3. That means you can see index starts from 0 and it goes to 3. So this is an example where we are performing NQ and DQ operation and we are showing how front and rear position changes. Okay, let's see. सबसे पहले देखिए फ्रंट और रियर. आपको पता है क्यू में दो एंड है, फ्रंट और रियर. सो इनिशियली हम फ्रंट के लिए F लेते हैं, रियर के लिए R. इनिशियली वेन द फर्स्ट स्टेप अकर्स, क्यू इज एम्प्टी. फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, क्यू इज एम्प्टी. जस्ट यू आर शोइंग पिक्टोरियल फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पिक्चर फॉर्म में आप दिखा रहे हैं कैसे क्यू में इंसर्शन और डिलीशन होता है और कैसे फ्रंट और रियर का पोजिशन चेंज होता है. तो सबसे पहला जो स्टेप है, क्यू इज एम्प्टी, यू आर शोइंग एन एम्प्टी क्यू. मैंने बताया था क्यू का साइज क्या है, 4 है. सो यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है 4 ब्लॉक्स आर देयर टू स्टोर 4 वैल्यूज और 4 आइटम्स. इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है, इट गोज टिल द साइज माइनस 1, दैट इज 4 माइनस 1, 3. इनिशियली व्हेन द क्यू इज एम्प्टी यू कैन सी द पोजिशन ऑफ फ्रंट एंड रियर. फ्रंट और रियर किसको पॉइंट कर रहे, देखिए बोथ आर पॉइंटिंग टू नन. आप देख सकते हैं यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है फ्रंट इक्वल्स टू रियर इक्वल्स टू नन, क्योंकि क्यू फिलहाल एम्प्टी है. So when the queue is empty, front and rear both will have the value none. Okay. Now second step, NQA. NQ pata hai, insertion karna hai. That means you want to insert an element, an item that is A into that queue. Samajh mein aa raha hai? Yahan par empty tha, 4 blocks were there. Now you want to insert an element A. So insertion kahan par hoga? फिलहाल क्यू एम्प्टी है, सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, दैट इज जीरो पोजिशन. सो जब आप पहला एलिमेंट एम्प्टी क्यू में इंसर्ट करते हैं, इट विल बी इंसर्टेड एट द फर्स्ट पोजिशन. फर्स्ट पोजिशन क्या है, यू कैन सी जीरो. जीरो से शुरू हो रहा है, सो इंसर्शन टेक्स प्लेस एट द इंडेक्स पोजिशन जीरो. समझ में आ रहा है, आप देख सकते हैं ए कहाँ पर इंसर्ट हुआ है, इंडेक्स वैल्यू जीरो में इंसर्ट हुआ है. नाउ सी द वैल्यू ऑफ फ्रंट एंड रियर. अब चेंज हो रहा है, नाउ यू हैव इंसर्टेड एन एलिमेंट. यू कैन सी फ्रंट इक्वल्स टू जीरो, रियर इक्वल्स टू जीरो. नाउ नन से अब चेंज होकर क्या हो गया है, बोथ फ्रंट एंड रियर पॉइंटिंग टू द इंडेक्स पोजिशन जीरो, क्योंकि यहां पर एक ही एलिमेंट है. सो इंसर्शन भी वहीं पर हुआ है, और अगर आप डिलीट करते हैं तो भी कौन सा एलिमेंट रिमूव होगा, जो एलिमेंट अभी आपने इंसर्ट किया है. सो फ्रंट इक्वल्स टू जीरो, रियर इक्वल्स टू जीरो. नेक्स्ट वन सी द थर्ड वन,
NQB. Again you are performing an insertion operation. Again आप insert करना चाहते हैं, कौन सा value insert करना चाहते हैं? B. B कहाँ पर insert होगा? आपको पता है insertion कहाँ पर होता है? It takes place at the back end और rear end. So ये Q है, A already inserted था, अब इसके बाद जो next position होगा वहाँ पर कौन सा value insert होगा? B. So you can see B is inserted after A. A के बाद insert हुआ है. Now front and rear. Front देखिए, again it is zero. Front किसको point कर रहा है? Index position zero को. क्यों? क्योंकि जब आप element को remove करेंगे, आपको पता है it is implemented in FIFO manner. First in, first out. So A और B में कौन सा element first insert हुआ था? A. So that element will be removed first. So इसीलिए front किसको point कर रहा है? Index position zero को point कर रहा है. And rear किसको point कर रहा है? Now it is pointing to index position one. Okay, see the fourth one, NQC. Again you are inserting an element C. So insertion कहाँ पर होगा? A, B के बाद C insert हो गया है. See the position of front and rear. Front is still zero. Front यहाँ पर अभी भी zero है. Then rear equals to two. Now you can see C insert होने के बाद rear का value position change हो गया है. Now it is pointing to index position two, जहां पर लास्ट एलिमेंट इंसर्ट हुआ है. अंडरस्टूड? नेक्स्ट वन, फिफ्थ स्टेप, डी क्यू. अब हम परफॉर्म कर रहे हैं डी क्यू ऑपरेशन. डी क्यू क्या है? इफ यू वांट टू रिमूव एन आइटम फ्रॉम अ क्यू. सो आपको पता है डिलीशन कहां पर होता है, कौन सी एंड में होता है? इट टेक्स प्लेस एट द फ्रंट एंड. फ्रंट से हम डिलीट करते हैं. सो आप देखेंगे जो एफ जो पॉइंटर है वो जिस इंडेक्स पोजिशन को पॉइंट कर रहा है वहीं से वैल्यू रिमूव होगा. सो आप देख सकते हैं जब हमने डी क्यू लिखा है, यू आर नॉट स्पेसिफाइंग एनी पोजिशन और वैल्यू, जस्ट यू आर राइटिंग डी क्यू. डी क्यू मीन्स ऑटोमेटिकली इट विल टेक द फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम द क्यू. आप देख सकते हैं पहला एलिमेंट कौन सा था क्यू में? इंडेक्स पोजिशन जीरो, क्योंकि फ्रंट किसको पॉइंट कर रहा था? जीरो पोजीशन को, जो एलिमेंट सबसे फर्स्ट इंसर्ट हुआ था. सो दैट एलिमेंट इज रिमूव्ड व्हेन यू परफॉर्म डी क्यू ऑपरेशन. समझ में आ रहा है? यानी जब आप डी क्यू ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, पहला एलिमेंट रिमूव हो गया है, ए इज रिमूव्ड. नाउ सी द वैल्यू ऑफ फ्रंट एंड रियर. नाउ फ्रंट इक्वल्स टू वन एंड रियर इक्वल्स टू टू. अब देखिए आपका फ्रंट का वैल्यू, फ्रंट का पोजिशन चेंज हो गया है. नाउ फ्रंट इज पॉइंटिंग टू द इंडेक्स पोजिशन वन. Why? क्योंकि जीरो में एम्प्टी हो चुका है, ऑलरेडी एलिमेंट रिमूव हो चुका है. इसके बाद अगर हम फिर से डी क्यू ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो उसके बाद कौन सा एलिमेंट इंसर्ट हुआ था? आफ्टर ए बी वॉज इंसर्टेड. सो पॉइंटर शुड बी पॉइंटिंग टू द नेक्स्ट इंडेक्स वैल्यू, सो दैट इफ यू आर परफॉर्मिंग अगेन अ डी क्यू ऑपरेशन देन सेकेंड वैल्यू शुड बी रिमूव. सो यहाँ पर आप देखिए फ्रंट नाउ इज पॉइंटिंग टू इंडेक्स पोजिशन वन. यहाँ पर फ्रंट का जो पोजिशन है वो चेंज हो गया है. नेक्स्ट वन, सी द सिक्स्थ स्टेप, एन क्यू डी. नाउ अगेन यू आर परफॉर्मिंग एन एन क्यू ऑपरेशन, इंसर्शन ऑपरेशन. सो इंसर्शन कहाँ पर होगा? यहाँ पर आप देखिए इंडेक्स पोजिशन जीरो भी एम्प्टी है, थ्री भी एम्प्टी है. सो जब आप इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, यू शुड नॉट गेट कन्फ्यूज कि डी कहाँ पर इंसर्ट होगा, जीरो में होगा या फिर थ्री में होगा. आपको पता है इंसर्शन कहाँ से होता है? रियर एंड. सो दिस इज द रियर एंड, दिस इज द फ्रंट एंड. तो फ्रंट एंड से इंसर्शन नहीं होगा. सो जो एलिमेंट अभी रिमूव होने के बाद एम्प्टी स्पेस है वहां पर इंसर्ट नहीं होगा. इट विल बी इंसर्टेड एट द रियर एंड. सो आप देख सकते हैं डी कहां पर इंसर्ट हुआ है? इंडेक्स पोजिशन थ्री में इंसर्ट हुआ है. ओके, सी द वैल्यू ऑफ फ्रंट. फ्रंट इज पॉइंटिंग टू वन एंड रियर इज पॉइंटिंग टू थ्री. क्लियर? सेवेंथ वन, एन क्यू ई. अगेन यू वॉन्ट टू परफॉर्म एन क्यू ऑपरेशन, इंसर्शन ऑपरेशन. अब आप एक एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं ई. सो यहां पर आप देख सकते हैं रियर एंड, रियर एंड में लास्ट एलिमेंट डी इंसर्ट हो गया है. उसके बाद स्पेस नहीं है क्योंकि ये बाउंडेड क्यू था. हम मान के चलते हैं क्यू में कैपेसिटी कितना था? फोर. सो दैट मीन्स यू कैन इंसर्ट ओनली फोर एलिमेंट. अब हम यहां पर क्या करना चाहते हैं? यू वॉन्ट टू इंसर्ट फिफ्थ एलिमेंट, दैट इज ई. सो वेदर इट विल टेक प्लेस, क्या ये होगा? नो, द सिचुएशन एन एरर विल अकर दैट इज कॉल्ड एज ओवरफ्लो, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था. सो ओवरफ्लो होगा क्योंकि क्यू ऑलरेडी फुल है रियर एंड में और कोई स्पेस नहीं है.
no space is left to insert a new element. So an error occurs, that is called as overflow. This situation is called as overflow. Hope this situation is clear to you. Next, 8th one, DQ. Now you are performing DQ operation. DQ means deletion. Now you can see friend kisko point kar raha tha, index position 1 ko. So ab next deletion kahan se hoga? Index position 1 se hoga. So 1 mein kaun sa element present tha? B. So that will be removed if you are performing DQ operation. Okay, now see the value of friend. Ab DQ operation perform hone ke baad friend is now pointing to the index position 2. It is changed from 1 se change hokar 2 ho gaya hai, taki jab next bar ab deletion operation perform karenge, it should remove the element C. So aap dekh sakte hain friend ab 2 ho chuka hai aur rear is pointing to index position 3. See the 9th one, again DQ, again you are performing deletion operation. Next kaun sa element remove hoga? Friend kisko point kar raha hai? Index position 2 ko, jisme kaun sa element hai? C. So you can see that value is removed, C remove ho chuka hai because you have performed DQ operation. Now see the value of front and rear. Ab ye value bhi remove hone ke baad, now front will be pointing to the next available value. Ab iska next available value kaun sa position mein hai? 3 mein hai. So front is pointing to 3 and rear is also pointing to the index position 3. Samajh mein aaya? Then 10th one, DQ. Again you are doing DQ operation. DQ mein kya hoga? फ्रंट और रियर दोनों सेम इंडेक्स पोजीशन को पॉइंट कर रहे हैं, आपको रियर नहीं देखना है, डीक्यू के लिए आपको फ्रंट देखना है. फ्रंट इज पॉइंटिंग टू इंडेक्स पोजीशन 3. सो यू कैन सी द वैल्यू डी इज रिमूव्ड, द आइटम डी इज रिमूव्ड. व्हेन यू रिमूव दिस आइटम, अब आप देख सकते हैं क्यू एम्प्टी हो चुका है. अगेन यहाँ ये फर्स्ट स्टेप की तरह हो चुका है. नाउ द क्यू इज एम्प्टी. व्हेन द क्यू इज एम्प्टी, फ्रंट एंड रियर विल बी पॉइंटिंग टू नन. आप देख सकते हैं इंडेक्स पोजीशन चेंज होकर फ्रंट और रियर दोनों नन को पॉइंट कर रहा है, दैट मीन्स क्यू इज एम्प्टी. आफ्टर 10th स्टेप क्यू एम्प्टी हो चुका है. नाउ सी द 11th स्टेप. 11th में आप अगेन क्या परफॉर्म कर रहे हैं? डी क्यू ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं. सो आपको पता है जब क्यू ऑलरेडी एम्प्टी हो, आप देख सकते हैं फ्रंट भी नन है, रियर भी नन है. सो अगेन इफ यू आर परफॉर्मिंग डी क्यू ऑपरेशन इन एन एम्प्टी क्यू, सो क्या होगा? एक सिचुएशन, एक एरर अकर होगा, दैट इज कॉल्ड एज अंडर फ्लो. क्लियर? सो अंडर फ्लो में क्या होता है, जब इस तरह केसेस में क्यू एम्प्टी है और आप कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं? डी क्यू ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, देन यू कैन सी एन एरर विल अकर, दैट इज कॉल्ड एज अंडर फ्लो. ये तीन टर्म्स हमने देखा था, ओवरफ्लो, पीक एंड अंडर फ्लो. सो इन दिस वे insertion and deletion, that is NQ and DQ operations are performed on a queue. आप देख सकते हैं pictorial form में किस प्रकार value insert होता है, कैसे remove होता है और simultaneously कैसे front और rear का जो position है, index position जिसको वो point करता है, that is changed. Hope this example is clear to you. Students, now if you want to know the number of elements in a queue, that means you want to find number of elements present in a queue. So उसके लिए formula है, that means to know the size of a queue, the formula is number of elements in queue is equals to rear minus front plus 1. So this is the formula using which you can find the size of a queue. So आपको पता है python में आप queue किस तरह से implement करते हैं? With the help of list. So यहाँ पर list में आप हमने देखा था पिछले example में, front is pointing to 0, rear will be equals to length of queue minus 1. जैसे 4 क्यू का साइज अगर 4 होता था, सो स्टार्टिंग में क्या होता था, इंडेक्स पोजीशन दोनों 0 को पॉइंट करता है, फ्रंट और रियर. लेकिन जब वैल्यूज इंसर्ट हो जाता है, सो फ्रंट का वैल्यू 0 एंड रियर का वैल्यू क्या होता है, जो लेंथ ऑफ क्यू मीन्स जो साइज अगर 4 है तो 4 माइनस 1, दैट इज 3. सो इस तरीके से आप क्यू का साइज फाइंड आउट कर सकते हैं. दिस इज द फॉर्मूला, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन क्यू इक्वल्स टू रियर माइनस फ्रंट प्लस 1. नाउ द सेम थिंग कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ ए पाइथन फंक्शन लेन. लेन फंक्शन हमने देखा था, व्हाट इज द यूज ऑफ लेन फंक्शन, टू फाइंड द लेंथ ऑफ द गिवन आइटम. जो भी आइटम या सीक्वेंस जो भी देते हैं यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर, पैरेंथेसिस के अंदर, उसका क्या फाइंड आउट होता है? लेंथ फाइंड आउट होता है, हाउ मेनी एलिमेंट्स, हाउ मेनी कैरेक्टर्स. स्ट्रिंग होने से आप कैरेक्टर्स देखते हैं,
लिस्ट होने से आप हाउ मेनी एलिमेंट्स हाउ मेनी वैल्यूज आर देयर. सो यहाँ पर आप क्यू का साइज फाइंड आउट करने के लिए यू कैन यूज द फंक्शन बिल्ट इन फंक्शन दैट इज कॉल्ड एज लेन. विद इन ब्रैकेट यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द क्यू जो लिस्ट का जो नाम है. यहाँ पर एग्जाम्पल में हमने माना है द लिस्ट नेम इज क्यू. सो लेन ऑफ क्यू लिखेंगे यू कैन गेट द साइज ऑफ द क्यू. सो इन दिस वे यू कैन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स और साइज ऑफ अ क्यू. एक फॉर्मूला से कर सकते हैं या फिर विद द हेल्प ऑफ लेन फंक्शन. क्लियर. सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट इज वेयर क्यू इज अप्लाइड. क्यू का एप्लीकेशन कहाँ पर है. वेयर एवर फीफो पैटर्न इज रिक्वायर्ड. जहाँ पर भी फीफो पैटर्न फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पैटर्न चाहिए होता है यूज होता है वहाँ पर हम क्यू को यूज करते हैं क्यू को इम्प्लीमेंट करते हैं. सो वन एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू टेल. इन अ लैब सपोज कंप्यूटर एक लैब है जिसमें 5 कंप्यूटर्स है एंड ओनली वन रिसोर्स वन प्रिंटर इज अवेलेबल. दैट मीन्स रिसोर्स इज वन प्रिंटर एक ही है लेकिन लैब में कंप्यूटर्स कितने हैं 5 कंप्यूटर्स आर देयर. नाउ यूजर कैन परफॉर्म यूजर कैन गिव प्रिंटिंग रिक्वेस्ट. प्रिंटिंग रिक्वेस्ट दे सकते हैं जिस सिस्टम से वो प्रिंटर कनेक्टेड हो. अगर उस प्रिंटर को हम बाकी 4 कंप्यूटर्स के बीच में भी अगर शेयर कर देते हैं दैट मीन्स ऑल द 5 कंप्यूटर्स कैन गिव अ प्रिंटिंग रिक्वेस्ट. एक प्रिंट कमांड दे सकते हैं. दैट मीन्स द रिसोर्स इज शेयर्ड अमॉन्ग मल्टीपल यूजर्स. क्लियर. सो इन दैट वे वॉट विल हैपन जब एट ए टाइम 5 कंप्यूटर्स से आप प्रिंटिंग कमांड देते हैं. सो इंटरनली कंप्यूटर में वो जो प्रिंटर अवेलेबल है जिसके लिए कमांड दिया गया है जिस रिसोर्स के लिए कमांड दिया गया है वो सबसे पहले किस एप्लीकेशन किस प्रिंटिंग रिक्वेस्ट को वो एक्सेप्ट करेगा. दैट मीन्स इन विच वे इट विल बी इम्प्लीमेंटेड. सो 5 कंप्यूटर्स का कमांड एट ए टाइम आया है सो इट विल यूज फीफो पैटर्न. दैट मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पैटर्न. जो कमांड सबसे पहले दिया गया है जिस कंप्यूटर से वही कमांड को सबसे पहले फुलफिल किया जाएगा. दैट मीन्स दैट प्रिंटिंग रिक्वेस्ट विल बी डन. आफ्टर दैट बाकी जितने भी कमांड्स है उसको क्यू में रखा जाएगा. दैट मीन्स इन दैट वे क्यू इज अप्लाइड. ये जस्ट एक एग्जाम्पल है जिससे आपको क्लियर होगा क्यू कैसे अप्लाई होता है. दैट मीन्स यू आर शेयरिंग अ रिसोर्स अमॉन्ग मल्टीपल यूजर्स. यू आर गिविंग कमांड मल्टीपल यूजर्स आर गिविंग कमांड टू द कंप्यूटर टू द प्रिंटर. सो हाउ द प्रिंटर विल वर्क इट विल यूज द फीफो मैनर. दैट इज क्यू को इम्प्लीमेंट करेगा इन विच फर्स्ट जो इंस्ट्रक्शन सबसे पहले आता है वही इंस्ट्रक्शन सबसे पहले प्रोसेस होगा और बाकी जो इंस्ट्रक्शन होगा वो क्यू में होगा. क्यू मीन्स इट विल बी देयर इन द लाइन वेटिंग फॉर प्रिंटिंग. क्लियर. सो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर डेटा स्ट्रक्चर. इस चैप्टर में हमने देखा स्टैक और क्यूज स्टैक का एप्लीकेशन स्टैक में कैसे इनफिक्स से पोस्टफिक्स में कन्वर्ट होता है देन हाउ यू कैन इवेल्युएट एनी पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन देन वी हैव सीन क्यू इन टूडेज क्लास. होप दिस चैप्टर इज क्लियर टू यू. इन द नेक्स्ट क्लास वील सी द लास्ट चैप्टर दैट इज फाइल्स. टिल देन कीप लर्निंग.